वेलकम टू अ न्यू लेसन फ्रेंड्स. अगर आप जॉब करते हैं और अपने काम के बारे में एज इन जॉब के बारे में किसी इंटरव्यू में या अपने दोस्तों को इंग्लिश में बताना चाहते हैं तो देखते रहिए ये लेसन मेरे साथ. मेरा नाम है मिशेल एंड आप मुझे देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी पर, जहां हम आज सीखेंगे अपनी जॉब के बारे में इंग्लिश में बात करना. तो आइए शुरुआत करते हैं आज की फर्स्ट फ्रेज के साथ, पार्ट टाइम. पार्ट टाइम का हिंदी में मतलब होता है अंशकालिक कर्मचारी, यानी जब आप फुल टाइम काम नहीं करते हैं. मतलब या तो आप हफ्ते में कुछ दिन ऑफिस जाते हैं या फिर आप रोज थोड़े समय के लिए ऑफिस जाते हैं पर फुल टाइम यानी पूरा समय नहीं देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टूडेंट था तब मैं एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता था. मैं सिर्फ वीकेंड्स पर काम करता था. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई हैड अ पार्ट टाइम जॉब इन अ रेस्टोरेंट. आई ओनली वर्कड ऑन वीकेंड्स. हमारा दूसरा फ्रेज है टू बी पंक्चुअल. पंक्चुअल का मतलब होता है समय पर आना और समय पर कार्य शुरू करना. फॉर एग्जाम्पल, वह बहुत पंक्चुअल है, वह हमेशा समय पर आती है. शी इज वेरी पंक्चुअल, शी इज ऑलवेज ऑन टाइम. हमारी तीसरी फ्रेज है वर्किंग फ्रॉम होम. इसका मतलब होता है कि आप ऑफिस की जगह घर से काम कर रहे हैं. आजकल बहुत सारे लोग घर से काम करते हैं. दीस डेज मैनी पीपल वर्क फ्रॉम होम. हमारी नेक्स्ट फ्रेज है टाइम शीट. इसका मतलब होता है किसी एम्प्लॉय के काम के घंटों को रिकॉर्ड करना. आजकल टाइम शीट्स यूज नहीं होती क्योंकि यह सारा काम कंप्यूटर्स पर हो जाता है. दीस डेज वी डोंट यूज टाइम शीट्स बिकॉज एवरीथिंग इज डन ऑन कंप्यूटर्स. हमारी अगली फ्रेज है अनसोशल आवर्स. इसका मतलब होता है उस समय पर काम करना जब नॉर्मली सारे ऑफिसेस बंद हो जाते हैं, जैसे कि रात को काम करना. बहुत सारे लोग बहुत कामकाजी घंटे काम करते हैं और इसके लिए उन्हें ज़रूरी मुआवजा नहीं मिलता. लॉट्स ऑफ पीपल वर्क वेरी अनसोशल वर्किंग आवर्स एंड डोंट गेट पेड फॉर इट. हमारी नेक्स्ट फ्रेज है टू टेक अ ब्रेक. इसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए काम बंद करना और रिलैक्स करना. ये तो बहुत अच्छा लगता है सबको. कभी कभी काम से ब्रेक लेना अच्छी बात होती है ताकि आप काम पर रिफ्रेश होकर वापस आएं. समटाइम्स इट्स अ गुड आइडिया टू टेक अ ब्रेक एंड कम बैक टू वर्क रिफ्रेश्ड. हमारी नेक्स्ट फ्रेज है टू क्लॉक इन और टू क्लॉक आउट. इसका मतलब होता है एम्प्लॉय के आने और जाने के समय का रिकॉर्ड रखना, वो भी एक मशीन के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, सबको अपने आने और जाने पर साइन करना है ताकि पता चल पाए कि किसने कितने घंटे काम किया है. Everyone has to clock in and out to keep a check on the hours they have worked. हमारी नेक्स्ट फ्रेज है पब्लिक हॉलीडेज. इसका मतलब होता है सार्वजनिक छुट्टियाँ या राष्ट्रीय छुट्टियाँ जिन पर आम तौर से काम नहीं किया जाता. इसका एग्जाम्पल है, अगर एक सार्वजनिक छुट्टी गुरुवार को होती है तो कई लोग शुक्रवार को भी छुट्टी लेते हैं और लंबे समय तक छुट्टी पर रहते हैं, है ना? इफ अ पब्लिक हॉलीडे इज ऑन थर्सडे मैनी पीपल टेक अ फ्राइडे ऑफ एंड हैव अ लॉन्ग हॉलीडे. आवर नेक्स्ट फ्रेज इज आवरली रेट. इसका मतलब होता है वह वेतन जो प्रति घंटे के हिसाब से मिलता है.
फॉर एग्जाम्पल, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को प्रति घंटे के हिसाब से वेतन मिलता है, परंतु स्थायी कर्मचारियों को एक निश्चित वेतन मिलता है. द पार्ट टाइम एम्प्लॉयज आर पेड एन आवरली रेट, बट द परमानेंट स्टाफ आर पेड अ फिक्स्ड सैलरी. अब जानते हैं फिक्स्ड आवर्स का मतलब. इसका मतलब होता है निर्धारित घंटे, मतलब वह घंटे जिनमें किसी कर्मचारी के काम के घंटे बदलते नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रीलांस के रूप में मेरे पास कोई निश्चित समय नहीं है. जब काम होता है तब काम होता है. एज अ फ्रीलांसर आई डोंट हैव एनी फिक्स्ड आवर्स, बट वर्क व्हेन द वर्क इज देयर. हमारा नेक्स्ट फ्रेज है अक्रॉस द बोर्ड. इसका मतलब होता है जिसमें हर कोई या सब कुछ शामिल है, यानी एवरीवन. फॉर एग्जाम्पल, इस बारी कंपनी सबकी सैलरी बढ़ाएगी. द कंपनी इज गोइंग टू इंक्रीज सैलरीज अक्रॉस द बोर्ड दिस टाइम. वेरी गुड. हमारी नेक्स्ट फ्रेज है अ टफ ब्रेक. इसका मतलब होता है एक मुश्किल समय जब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण होता है. जैसे कि हमारे लिए एक मुश्किल समय था जब मनीषा ने काम छोड़ा था. वह हमारी सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय थी. इट वॉज अ टफ ब्रेक फॉर अस व्हेन मनीषा क्विट. शी वॉज वन ऑफ आर टॉप एम्प्लॉयज. वेरी नाइस. इसके साथ आगे बढ़ते हैं. एट अ लॉस. एट अ लॉस का मतलब होता है जब कोई चीज नुकसान में बिकती है, तब हम उसे कहेंगे एट अ लॉस. ओके. इसका एग्जाम्पल है कॉम्पिटिशन की वजह से कंपनीज को अक्सर अपने प्रोडक्ट्स नुकसान में बेचने पड़ते हैं, है ना. बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन कंपनीज आर ऑफन forced to sell products at a loss. Very nice. Next phrase hai bang for the buck. Ab ye thoda confusing hai. Bang for the buck ka matlab hota hai dhan ki puri kimat. Okay, yeh ek English ka muhavra yani idiom hai. To jab aapko kharch kiye gaye paise ka pura moolya milta hai tab aap use karenge bang for the buck. फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है तुम्हें खर्च किए गए धन की पूरी कीमत तब मिलेगी जब तुम इंटरनेट पर विज्ञापन करना शुरू करोगे. आई थिंक यू विल गेट मच बैंग फॉर द बक इफ यू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट. है ना ये काफी यूजफुल फ्रेज. ग्रेट. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट फ्रेज है बिग विग. बिग विग का मतलब होता है एक अहम शख्स. फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी के कुछ अहम शख्स आज फैक्ट्री का दौरा करने आए थे. सम ऑफ द बिग विग्स ऑफ आर कंपनी केम टू विजिट आर फैक्ट्री. अब हम अपनी अगली फ्रेज पढ़ते हैं, ब्रिंग टू द टेबल. इसका मतलब वैसे तो है टेबल पर लाना, पर यहां पे इसका मतलब है बातचीत के दौरान कोई प्रस्ताव देना. ओके. फॉर एग्जाम्पल, बातचीत के दौरान हम एक नया प्रस्ताव लाने में सक्षम थे. वी वर एबल टू ब्रिंग अ न्यू ऑफर टू द टेबल ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन. तो ब्रिंग टू द टेबल का मतलब होता है प्रस्ताव लाना. हमारा नेक्स्ट फ्रेज काफी ईजी है और वो है आधा आधा. इसको हम इंग्लिश में कहते हैं 50-50. ये तो आपको पता ही होगा, पर इसे यूज कैसे करेंगे. लेट्स सी. मैंने और मेरे बिजनेस पार्टनर ने सब कुछ आधा आधा बांट लिया. माई बिजनेस पार्टनर एंड आई स्प्लिट एवरीथिंग 50-50. फैंटास्टिक. और हमारा आज का लास्ट फ्रेज है कॉल इट अ डे. इसका मतलब होता है दिन का
अंत करना। तो दिन के लिए जब आप अपना काम बंद करने का निर्णय लेते हैं तब आप कहेंगे कॉल इट अ डे। फॉर एग्जाम्पल, चलो अब है 7 बज गए हैं और मुझे भूख लग रही है, आज का काम खत्म करते हैं। वेल, अब है इट्स 7 एंड आई एम गेटिंग हंग्री, हाउ अबाउट वी कॉल इट अ डे। तो इसी के साथ लेट्स ऑल्सो कॉल इट अ डे, मतलब हम भी अपने दिन का अंत करते हैं इस फ्रेज के साथ, कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे साथ इस लेसन में एंड तक जुड़े रहने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने अपने जॉब के बारे में बात करने के लिए कुछ यूज़फुल फ्रेजेस, कुछ यूज़फुल एक्सप्रेशन सीखे हैं। तो जब अगली बारी आपको अपने जॉब के बारे में बात करनी हो तो इन एक्सप्रेशंस को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जल्द मिलेंगे, बाय बाय।